शिकोहाबाद थाना में आज सोमवार को पीस कमेटी की बैठक का आयोजन उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह व सीओ अजय कुमार चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर विचार विमर्श किया गया। किन किन विभागों को आपने इसको दिशा निर्देश दिए सर? आज ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि आगामी दिनों में और बल्कि शुरू हो चुके हैं, मुहर्रम का त्यौहार शुरू हो चुका है, गणेश चतुर्थी का भी आज शुरू हो चुका है, तो इसी सब के मद्देनज़र पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई थी, ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार सब हमारे निपटाए जाएँ और इनमें जो भी व्यवस्था है, जैसे सफाई की है, सुरक्षा की है, बिजली की है, सड़क गड्ढे की है या पानी की व्यवस्था है, तो इन बिजली विभाग को, नगर पालिका को, इन सब विभागों को भी यहाँ बुलाया गया था और सबको ट्वीट किया गया है कि सभी लोग अपनी व्यवस्थाएँ अच्छी से रखेंगे, सफाई। पीलीभीत के बीआरसी कार्यालय बरखेड़ा पर पीलीभीत के सभी अध्यापकों ने एकत्रित होकर प्रेरणा ऐप के प्रशिक्षण का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। सभी अध्यापकों ने एक सुर में प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया। अध्यापकों का कहना है कि सरकार इस तरह के आदेश लाकर समाज की नजरों में अध्यापकों की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इकट्ठा नहीं किया गया था, अध्यापकों को बुलाया गया था विभाग के द्वारा यहाँ पर कार्यालय पर प्रेरणा ऐप के ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हम लोग जो है अपनी बात कहना चाहते हैं। टीचर की जो समस्याएं हैं, जो विद्यालयों में जो काम का बोझ है उसको हटाया जाए, और उसको हटाने के बाद पठन पाठन पे जोर दिया जाए, ना कि अन्य कार्यों पर। अन्य कार्यों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि पठन पाठन पीछे छूटता जा रहा है। अन्य कार्य जैसे मिड डे मील बनवाना, फल खरीदना, दूध खरीदना, और बीएलओ का ड्यूटी है, और परीक्षा ड्यूटी है, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी है, ये सारे काम इतने कराते हैं तो शिक्षण से विद्यार्थी और टीचर दूर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पर प्रदेश स्तरीय बैठक की गई, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश स्तरीय तथा जिला स्तरीय सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। बूथ लेवल तक सदस्य बनाने की बात कही गई, जिस पर पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। इस पर प्रदेश प्रवक्ता के त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह मजबूती के साथ हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे और 2022 के चुनाव पर सरकार को जवाब दे सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश में बढ़ रही बेरोजगारी व किसान हत्या एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। आज समीक्षा बैठक हमारी आहूत थी, उसमें लगभग सभी जिलों के अध्यक्ष लोग आए, और समीक्षा बैठक में तय हुआ कि हमारी जो पिछली सदस्यता, जो इसके पहले सदस्यता अभियान का था, उससे लगभग हमारी सदस्यता 1,00,000 से ऊपर हो चुकी है, और इस सदस्यता अभियान के साथ साथ हम अपने जो जिले स्तर पे हमारे काम कर रहे हैं संयोजक लोग, उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वो बूथ स्तर तक हमारी सदस्यता को आगे बढ़ाए, और बूथ स्तर पे जब हम मजबूत हो जाएंगे। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रुकमपुर पुख्ता में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव के 35 वर्षीय मुनेश का शव फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी गर्दन पर चोट के निशान है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने कुछ लोगों को नामजद करते हुए कोतवाली में तहरीर दी और कहा कि नामजद लोगों व मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के कंखरखेड़ा क्षेत्र में स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां पैदल जा रही अंजू नामक महिला से बाइक सवार दो लड़कों ने उसके कान के कुंडल छीन लिए। सूचना पर चेकिंग के दौरान LIC ग्राउंड की तरफ से काले रंग की बाइक पर सवार दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वो नहीं रुके और उन्होंने अपनी बाइक आगे बढ़ाकर पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई में दोनों संदिग्ध घायल हुए हैं। तलाशी पर उनके पास से लूटा हुआ कुंडल बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से दो तमंचे व दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। सर, एक मुठभेड़ हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? थाना कंकरखेड़ा में आज लगभग शाम को 7 बजे डिफेंस कॉलोनी में अंजू नाम की एक महिला टहल रही थी, पीछे से काली बाइक सवार दो युवक आए, उन्होंने उसका कुंडल छीन लिया। इसके बाद चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी दौराड़ा के नेतृत्व में उनके सर्किल की प्रभावी तरीके से चेकिंग हो रही थी। उसी समय कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर को दो संदिग्ध व्यक्ति LIC मैदान की तरफ जाते हुए दिखे बाइक से।
उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मैदान की तरफ अंदर झाड़ झंकाड़ की ओर बढ़ गए। इनके द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर बदमाश बाइक छोड़कर तुरंत बाउंड्री गार्ड लेकर पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिए। पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई किया, जिसमें दो जो युवक थे वो घायल हुए। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नितिन और अमन बताया और उनके द्वारा पूछताछ से भी पता चला कि डिफेंस कॉलोनी में अंजू नाम की महिला के साथ जो कुंडल छीना गया था, इन्हीं के द्वारा छीना गया है। वह कुंडल बरामद हुआ, बाइक बरामद हुई और दो तमंचे, भारी मात्रा में खोखा राउंड और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। घायल बदमाशों को चिकित्सालय भेजा गया है, जिससे उनका उपचार हो सके। इसके बाद इनसे विस्तृत पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।